मंगाने के तहत इसके दिए गए हैं मिले हुए क्या ऐसा नहीं है जो लगाए तो कोई बात नहीं, नहीं लगाए तो कोई बात ऐसा नहीं है। ये तो अपना की तरफ से मिली है और जब तक ये उम्मत इस मेहनत को नंबर एक पर रखी रही, अपना काम बना करके इस काम को करती रही, मेरे भाई दोस्तों हर शोबे में हर जमाने के अंदर जो कामयाब हर जमाने और जब इसको सबसे कुछ डाल दिया, इसे सवाब का काम समझ लिया, इसे फुर्सत का काम समझ लिया, तो भाई दोस्तों तो फिर बहुत परेशान। हजरत हमारे अंदाज मौजूद अंदाज इस बात कर रहे भाई दोस्तों ये आमाल जो आमाल दावत है यही आमाल तबीयत है और यही आमाल हिदायत है और यही आमाल नबूवत है। नबूवत वाले आमाल इन आमाल को, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी फरमाते हैं कि ये आमाल मेहनत ये बराए मेहनत नहीं है, बराए मेहनत नहीं है, बल्कि इस मेहनत के जरिए से कोई चीज चाहिए, कोई एक मकसद। और उसके साथ अगला प्रमाण करते था करते थे दावत का खासा है यकीन का पैदा करना, दावत का खासा यकीन का पैदा करना। और मौजूदा अलग सब बातें हैं, इसकी तरतीब यह होगी कि मेहनत, मेहनत से यकीन, यकीन से आमाल, आमाल से अल्लाह राजी होगा, और जब अल्लाह राजी होगा तो फिर अल्लाह का काम बना देगा, चाहे असबाब कम हो तो भी काम बना देगा, असबाब ज्यादा हो तो भी काम बना देगा, बीमार हो तो भी काम बना देगा, अमीर हो तो भी काम बनेंगे, गरीब हो तो भी काम बनेंगे, क्योंकि इसकी जिंदगी के अंदर जो आवाज है वो यकीनी आवाज है। सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मेहनत तो तसलसल के साथ, किसी चीज का तसलसल और इस्तकामत क्या उसके नफे का नफे को गायब कर दिया। दुकानदार इसका टाइम टेबल है, तो वह टाइम पर जाता है, शाम को टाइम पर आता है, जितनी माल की जरूरत उतना माल लगाएगा, जितनी जान की जरूरत उतनी जान लगाएगा, जितने वक्त की जरूरत उतने वक्त लगाए, तब उस दुकान से जो अपने मुकद्दर का नफा देगा। ताजिर अपनी तिजारत के पहले हवाले होगा, जान माल वक्त जितना दरकार है उस दुकान को उतना वक्त है, जान माल वक्त है, सबकी समझ में आती है बात। हम दुकानदार हैं, फिर वो उसके नफे को देखता है। दावत की मुबारक मेहनत बिल्कुल ऐसी, इसको हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाया करते थे कि जो तदबीरें तुम अपने दीन के लिए करते हो, जो तदबीरें तुम अपने दीन के लिए करते हो, वही तदबीर अपनी दुनिया के लिए करो। जो तदबीर दुनिया के लिए की जाएगी, वही तदबीर दीन के लिए की जाएगी। जो इस्तकामत दुनिया के लिए, वो इस्तकामत दीन के लिए, जो इस्तकामत जान माल वक्त लगाने में दुनिया में होगी,
वही इस्तेकामत जान मान नफ्स लगाने में दी है। अल्लाह भाई दोस्तों ये क्या होगा? फिर ये होगा कि काम तो ये होगा कि साहब हम दूर की मेहनत करने वाले हैं, लेकिन ना इसकी दुकान पे कोई ऐसी सिफात नजर आएगी कि आदमी दाई है, ना इसके घर पे इसकी शादी से कुछ मालूम होगा कि आदमी दाई है, दीन की मेहनत करने वाला है, ना इसके अखलाक से, ना इसके मामलात से, ना इसकी माशरत से किसी चीज से ये दाई नहीं होगा। बल्कि ये फरमाया है कभी वक्त लगे कभी ना लगे, कुछ लगे कुछ न लगे, जो समझ में आया उतना समझ में आया, जब समझ में आया तो अगर इस तरह होगा तेरे भाई दोस्तों तो गैर से इसको परेशानियां घेर दिया। और ये आदमी हर वक्त जरूरत में घिरा हुआ होगा, आम आदमी के असबाब बढ़ाता रहेगा और आम आदमी के असबाब बढ़ते ही रहेंगे, मगर परेशानियां दूर नहीं होगी, जरूर से और आगे की बढ़ती चली जाएगी। जिस मखलूक के में घिरा हुआ है, जिन लोगों में, जिन बच्चों में, जिन घर वालों में, पड़ोसियों में, तो कहा वही इसको डर मारे, उनके फिर छटे हुए होंगे उनकी तरफ। और फरमाया ये आदमी दुआओं की कबूलियत पर कोई यकीन ही नहीं होगा, ये दुआ वाला काम ही नहीं करता, दुआ वाला काम ही नहीं करता, दुआ वाला काम था, नबियों वाला काम दुआ वाला काम। इतने नबी दुनिया के अंदर आए हैं, जब उनकी सीरत खाने को मिलती है तो मेरे भाई को वो कर्तव्य कुर्सी में हुआ करते थे, और साथ के लाइफ से कम होते थे, जाहिरी ताकतें उनके पास कम हुआ करती थी, लेकिन जब जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़ती थी उनके काम कभी अटकते नहीं। इसलिए कि हदीस पाक में आता है जो जितनी जिम्मेदारी देगा, दीन की जो जितनी जिम्मेदारी उठाएगा, अल्लाह की मदद उसी की मदद है। ये तो एक काम था, तो सवाब का काम नहीं था, ये तो अपने आप को खपाने का और लगाने का काम। जब ये अपने को खपाएगा, आप देखोगे तो जिसने अपने आप को खपाया और लगाया वो नमूना बने, उसके मुजाकरे हमारी जबानों पर आते, हमारे मशहूर में उनके उनके मुजाकरे आते कि भाई हम बड़ा काम देखो बना देखो। इसलिए भाई जो ये नमूना वाला काम है और काम के करने वाले के लिए भी फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, साहब प्रवेश कर जा रहे हो, वो भाई कहाँ जा रहे हो, मैं इधर भी देखो पीछे कहाँ जा रहे हो, बात अच्छी नहीं लग रही, अच्छे लग रहे बैठ जाओ, जरा सी मुसलमान ही उसी को आगा करनी, थोड़ी देर तो बैठ लगे उसी को उठ तक बैठक लगे कुर्बानी दे दो, दुरुस्त नहीं पड़े भाई। क्या कह रहा था भाई, याद है भाई क्या कह रहा था? वो फरमाया जो दीन को, दीन की मेहनत को मुकम्मल करना हो लेकर के चलेंगे, 50 के बराबर उनकी मदद होगी, कितने 50 दिन के बराबर मदद होगी। ताबड़ पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से 50 की या हम में से 50 के बराबर? साहब अपना जुदा खैर दे तो सवाल करते थे ना, वो हमारा मसला आसान कर दिया, बताओ पूछे रहे थे, पूछा उनमें से 50 के बराबर या हम में से 50 के बराबर? उन्होंने फरमाया तुम में से 50 के बराबर उनकी एक ही मदद होगी। जब सहाबा किराम की मददों के वाकयात हमारे सामने आते हैं तो हम यूँ कहते हैं अरे भाई वो तो सहाबा,
नबियों के वाकया जब आते हैं मददों के, जो वह भी मदद है नबियों के साथ सहाबा के साथ हुई है, जब उनके मुजाकरे होते हैं तो हम कहते हैं वो तो नबी, नबी को नबी कहकर छोड़ दिया और सहाबा को सहाबा कहकर के छोड़ दिया, तो फिर किसकी इत्तबा करेंगे, किसकी इत्तबा करेंगे? तो शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, नबियों वाला काम है, सहाबा वाला काम है, मदनी वाली होती तो उन जैसी नहीं है, याद रखना। सहाबा जैसी मदद नहीं होगी, सहाबा से 50 गुना ज्यादा बनोगे। अल्लाह हमें यकीन नसीब करता है, लेकिन हम देखते हैं उन मददों को अपने ऊपर देखते हैं, मुशाहिदे भी करते हैं, उनको सहाबा के 50 गुना ज्यादा इसलिए कि काम नबियों वाला है, काम सहाबा वाला है, मगर हम करने वाले सहाबा से बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, करने वाले जिम्मेदारी कोई है, करने वाले कमजोर है, तो मदद कौन करेंगे? मदद करेंगे क्योंकि अल्लाह ने काम दिया हमें नबियों वाला, अल्लाह ने काम दिया हमें सहाबा वाला, तो फिर मदद भी अल्लाह मिलेगा, अल्लाह की मदद का वादा। लेकिन ये मदद कब जाएगी, ये मदद कब जाएगी? कहा कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहे, लेकिन कुर्बानी तो बाद की चीज है, वैसे पहले तो तरतीब कायम करनी पड़ेगी, जिसकी क्या करनी पड़ेगी, तरतीब कायम करनी पड़ेगी। फरमाया तरतीब की मिसाल ऐसी है, तरतीब की मिसाल ऐसी है जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरियां होती ना, अरे तरतीब की मिसाल नहीं है, पहले पटरी बिछाई जाएगी या पहले ट्रेन आएगी? अरे बोलो भाई, पहले पटरी बिछाई जाएगी फिर ट्रेन आएगी, इसलिए पहले इब्तदाई मेहनत का तसलसल कायम किया जाएगा, तरतीब कायम की जाएगी, फिर फिक्र आएगी, फिर फिक्र आएगी। पहले पहले तो कुर्बानी तो बात की चीज है, छठी सिफात जो है जो दावत की सिफात है, उसमें दाई को दावत की हकीकत किसको हासिल होगी? हजरत ने फरमाया कहा ये दावत की हकीकत उनको उनको नसीब होगी जो तरतीब पर चलते हुए तकाजों को पूरा करे, तरतीब पर चलते हुए तकाजों को पूरा करेंगे, समझना इस बात को, हाँ, जो तरतीब पर चलते हुए तकाजों को पूरा करेंगे। तरतीब कुछ नहीं है, ना सहरोजा तरतीब, ना अपना हफ्तावारी का, ना अपना दूसरा का, ना मस्जिदों का मशवरा, कोई तसलसल कायम नहीं है, कभी लग गए तो लग गए, कभी कर लिया तो कर लिया, कभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर हमारे जो सुनो और फिर उसके बाद दावत के तकाजों को पूरा किया जाएगा। आज कहाँ था, आज नौ तकाजे, आज नौ तकाजे, आज उस तकाजे, अरे उनके अपने तीन दिन लगे कि भी लगे, कभी हम फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मेरे भाई दोस्तों, जो अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करवाए, ये आदमी दावत में बिगड़ा हुआ आदमी होता है, कैसा होगा, बिगड़ जाएगा, जिसकी तबीयत खुशूसी तकाजों पर चले और उमूनी तकाजों उमूनी तरतीब पर चले। मेरी बात जरा भाई दोस्तों को बात में सबक सुन जाएगी, लेकिन हकीकत नहीं, हकीकत हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह ने जो पूरा वाले मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह पूछा, हजरत जी मैं 30 से 30 दिन तकाजों में रहता हूँ, मेरे अपने 3 दिन नहीं लगते, मुझे मस्जिद के साथ 30 से 30 दिन तकाजों पर रहता, हजरत ने फरमाया 27 दिन दूसरों के लिए है,
तीन दिन तुम्हारे लिए है अगर कौन तक हो सके तीन दिन तुम्हारे लिए और 27 दिन तकाजों पर चलना ऐसा है जैसा तली भुनी चीजें खा ली बिरयानी खा ली पेड़ खा ली बर्फी खा ली। अब एक आदमी 12 महीने भी खाता रहेगा ना चावल मिलेगी ना रोटी मिलेगी सादी रोटी तो खाता ही नहीं तो बताओ सेहत खराब होती है अभी इसके आदमी बिल्कुल ऐसे मैं तो सुन लो यहाँ मशवरा वहाँ तका के वहाँ जा जाना है यहाँ बया यहाँ पड़ा अपने तीन दिन की जगह नहीं है अपना अपना घर नहीं है अपना दूसरा घर नहीं है मेरे मैं तो सुन लो ना काम बढ़ेगा ना शादी बढ़ेंगे ना ये काम का बढ़ेगा। ये मैं आप अंदाज में बदले वाली मस्जिद की बात बता रहा हूँ मेरी बात नहीं है याद रखना करके आप अंदाज करके मिले बदले वाली मस्जिद की बात अपनी सहयोगा नहीं है तो फिर काम ये हमारे सहयोगा जो है ये पर्दे ऐन है याद रखना क्या है ये पर्दे ऐन है अपना घर पर्दे ऐन है दूसरा घर पर्दे ऐन है ये पांच आमार इब्तदाई जो आदमी उस पर आएगा ये अलिफ पर आएगा कैसा आएगा अलिफ पर अरे ताकि कौन से आएगा किसी आदमी को हाफिज बनना है हालिफ बनना है कुरान पाक पढ़ना है तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अरे अलिफ पर आएंगे कि नहीं आएंगे कायदे पर आएंगे कायदे को अलिफ से शुरुआत करेंगे उसको अधिक पढ़ाया होता अजी मोदी साहब आप मुझे अधिक पढ़ा रहे हैं कोई अधिक पढ़ना फर्ज है अधिक पढ़ना हाँ भाई अधिक बनने के लिए अधिक पढ़ना फर्ज देखो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत मिलने के बाद सबसे पहला हुक्म ही दस्ता हुआ है याद रखना साहबा ने 3 दिन नहीं लगाए साहबा ने गश्त नहीं किए तो साहब वो जो है ना चलो हफ्ते में 2 गश्त कर दो ये तो इसलिए बताया कि अली ने साहबा रहते इस काम को काम बना के चले लेकिन हम तो यूं कहा जा रहे अरे भाई तुम इस काम को काम बनाओ गश्त को नहीं कहा जाएगा 3 दिन को नहीं कहा जाएगा तो कौन कर दे तो हमारे तो इस्तेदार भी नहीं है हमारी हिम्मत ही नहीं है इसलिए कहा जा रहा अरे भाई अली से तो आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ नबी जी आप अपने अपने अजीज अकारिब को यानी कि कुरैश को अपने महल्ले वाले को अपने पड़ोसियों को सबके वालों को कहा उनको हमारी तरफ बुलाओ उनसे डराओ उनसे कहो नबूवत मिलने के बाद आपका पहला अमल क्या था एक एक के पास गए उनको बुलाया खाना खिलाया दस्तरखान बिछाया 3 दिन तक खाना खिलाते रहे बुलाते रहे फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी जरूरत का ऐलान फरमाया है। तो पहला जो हुक्म हुआ पहला जो आपका अमल है क्यों भाई पहले नमाज पढ़ी या पहले गश्त किया अरे बोलो लोग पहले नमाज पढ़ी पहले गश्त किया अब ये अलग बात है कि भाई कुरान पाक में गश्त का लफ्ज है गश्त थोड़ी होगा वो तो अरबी के कुरान पाक तो अरबी में है गश्त तो आप उनकी मूर्ति में पहले उर्दू का लफ्ज है या फारसी का लफ्ज हाँ उर्दू और फारसी काफी मिली जुली होती है लेकिन भाई तो पहले तो मेहनत का हुक्म आया कि जो मैंने बात की है मौलवी सुल्तान अस्पताल की दावत का खासा यकीन का पैदा करना हमारी नमाजों में जान इसलिए नहीं है मेरे भाई दोस्तों क्योंकि हमारी मेहनत तसल्लुक के साथ नहीं यकीन नमाज पर है नहीं जब यकीन के बदले का वक्त आवे तो फिर तभी मेहनत की जोर दे इसलिए फरमाते हैं एक हफ्ता तय करें अपने महीने के 3 दिन का देखो अभी क्या हो रहा है मालूम है हम नहीं पूछ रहे किस किस के 3 दिन हफ्ते के तारीख के साथ रखते हैं
अभी आपको खड़ा किया जाएगा तो फिर आप कहोगे सड़क के ऊपर, लेकिन हमने जो है ना जो मुजाकरा किया या हमारे ऊपर मालूम किया तो अभी ऐसे मजबूत की बहुत ही कमी है जिनके 3 दिन शायद ही हफ्ते के टाइम दिन के साथ हर महीने लगते पता ऐसे कितने हैं। दुनिया इधर से इधर हो जाए चाहे कुछ भी हो हर हाल में 3 दिन हफ्ते के टाइम इनके साथ लगाने वाला मजमा कितना भी तेरा हाथ उठा के बताओ। कुछ भी हो कैसा भी हो हर हाल में निकल जाते हैं ऐसे कितने हजरात हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ तो है भाई आप हमारे यहाँ मुस्तफा बाग में गए थे ऐसे आपको कितने लोग मिले जो हर हाल में अपने 5 अमल और 3 दिन की जमात के साथ जाते और खुद बना कर जब खुद पड़ जाता है जिम्मेदार एक चीज को दे देते हैं तो अल्लाह पाक काम करना काम का होना आसान करते हैं। काम ये तारुफ का मोहताज नहीं है आदमी की खुद जब वो मेहनत को अपनी अपने तसल्लुम कायम करेगा कुर्बानियों के साथ फिर यकीन बनता है क्या यकीन बन रहा है। अभी जैसे हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे अखबार से नहीं होता अखबार में कामयाबी नहीं है कामयाबी तो अपना जो नाक में है दीन में है लेकिन यकीन हम दूसरों की कब तक कायम करते रहेंगे और जब तक दूसरों को बोलते रहेंगे। सहाबा कराम पे जो मुजाकरे हैं वो तो इसलिए करते हैं ताकि हमारे ईमान के अंदर हरकत पैदा हो इसके मुजाकरों में हरकत पैदा हो। लेकिन फिर बच्चों को सहाबा कराम के साथ जो हुआ है जो मदद हुई है 50 गुना उनसे ज्यादा मदद हमारे साथ है ये चीज तो मेरी जात को जाहिर होती है तभी तो ये चीज मिले। हमारे यही के हमारे जानने वाले थे अपना उनके मकबूल शरीफ का हो गया आपके पास तो महीने के 3 दिन का उनका वक्ता तय था 12-15 साथी उनके तैयार थे अब वो 3 दिन निकलने का वक्त आया उस दिन ऐन वक्तन उनकी बच्ची बीमार हो गई। बच्चे मामूली की बात नहीं है उससे बचने की कोई उम्मीद नहीं रात के अंदर क्या हाल रात ठीक थी रात को जवाब वसूल हो रात को बिल्कुल ठीक थी और जब सुबह निकलने का वक्त आया तो मस्जिद से खबर आई साहब इस चीज के लिए हालत है बच्ची को अचानक बीमार डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज लगाया तो ग्लूकोज जिसम ने लिया नहीं नसों नसें अजीब मुकाबला किताब ऐसे में जो है क्या कहेंगे जो पुराने अमला तो वो कहेंगे भाई मशवरा करो हमारा काम तो मशवरे का है कुछ कहेंगे काम को आसान देने करो मुश्किल मत करो ये सब हुआ तो साहब वो बात यह है कि जब अब वो ऐसे हालात पैदा हुए तो घर के अंदर बीवी ने जब कहा अब ऐसे में मैं क्या करूं डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई उस बच्ची को आप अस्पताल में जा सकते जहाँ हालात नहीं है जो इसका इलाज हो सके और हॉस्पिटल में रहने चलो तब कहा जाते जा अब वो जाएंगे तो माँ भी जाएंगी माँ जाएंगे तो बाप भी जाएंगे उसने कहा भाई जवाब कर अब वो समझाने वाले में किसान और भी लोग कहने लगे भाई काम को मुश्किल मत बनाओ दुश्वार मत बनाओ ये चीजें अगर हमसे पूछा जाएगा तो कहेंगे भाई ऐसे में तो जाना बना से तो भाई बच्ची का भी तो हक होता है। उसने जो कहा कि
मेरा अल्लाह के रास्ते में जाना, ये ऐसा नहीं हुआ अचानक। मेरा तो 27 साल से 3 दिन आगे पीछे नहीं हुए। इस वक्त निकलते वक्त ये चीज क्यों आ गई? ये कोई चीज अल्लाह ताला देना चाहते हैं? हाँ, मुझको जाना। घर वालों ने हुआ पेट का शुरू किया, बाहर वालों ने भी, काम करने वालों ने भी कहा भाई बुरी बात है, काम को किसी कुछ बना हो गया है। नहीं भाई मुझको जाना। वो तो अपनी जमात लेकर चले गए, कहा कि मैंने सदका दिया और सदका दे करके डॉक्टर साहब से कहा जो दवा आप देना चाहते हो यही दे दो, अल्लाह का वादा सदके के साथ है, जिंदगी होगी तो बच जाएगी बिल्कुल। अब बताओ कि भाई अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जब इस तरह लगे लगे थे, अरे रोना आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, रोना आएगा? दुआ में जान होगी कि नहीं होगी? हमारे तो दुआ में जान इसलिए नहीं है, अभी अभी थोड़ा सा इरादा कर लिया, दोस्त का पैदा हुआ, बस दुआ का जवाब आई थी। अच्छा भाई 3 दिन की जवाब कर ली, हाथ में तैयार। अब नाम आया, नाम आ, उसके बाद में कुछ नाम आ गए। जब निकलने का वक्त आया तब किसी के मेहमान आ गए, किसी का पेमेंट की वसूली का वक्त हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। दो तीन जिम्मेदार थे, दोनों तीनों के साथ उधर आ गया। नए नए जो नाम आए थे उन्होंने देखा रहे क्या बात है, क्योंकि अमीर साहब को जा नहीं रहे, अमीर साहब को तो क्या मेहमान आ गए। तो उसने भी समझा इस काम को करना बहुत जरूरी है, अगर मेहमान आ जाए तो नहीं कर रहे थे। कुर्सी में बैठ करके जो हम लोग बोलते थे तो हमें तो लोग पहचानते हैं, और फिर सालों का सर हाँ, अरे भाई अगर मेहमान आ जाए तो नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई पेमेंट का मसला आ जाए, दुकान का मसला आ जाए तो नहीं जाना चाहिए, कोई और घर में बीमारी आ जाए तो कोई जाना नहीं चाहिए। जब फुर्सत मिलेगी तब जाएंगे। हालांकि ये तस्वीर मालूम है कब हुई थी? ये तस्वीर ये कहकर के हुई थी कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जा रहे हैं, बदर का रुपया रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जो कयामत तक अपनी बेटी के हुकूक, बेटियों के हुकूक बता रही है शरीयत इनको, जिन्होंने शरीयत कायम की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी प्यारी बेटी बीमार है और बदर का तकाजा है, लेकिन आप उनकी बीमारी से अपनी बेटी की बीमारी पर मुख्य नहीं है। बदर में चले गए, बीमार कैसी थी कि बदर की फतेह की खुशखबरी लेकर के सहाबा किराम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आ रहे हैं, और लोग हजरत रुकैया को जमा कर दिया। बोलो कौन कौन तैयार, कौन कौन तैयार? तस्वीर होगी ऐसी बात है, लोग तैयार होगी नहीं होगी, जज्बात बन गए, लोग तैयार हुए इतना बड़ा काम इतना। तो बयान में तो ये बयान किया गया और अमल में पता लगा कि साहब मेहमान आ गए। तो वो रमजान का महीना था, हम हमारा दूसरा हल्का लगता है उधर, हम किस हिसाब से गए करीब कर देते। हमने उनसे कहा अरे भाई रमजान आ रहा है, अशरा कम से कम लगाओ इसमें। तो दो चार बातें की, तीन चार नौजवान थे वो तो तैयार हो गए, बिल्कुल इंसाना गायब है तैयार है, लेकिन उन्होंने अपने अमीर का नाम लिया उसने। देखो सुनो कितनी अहम बात है, अब तुमने अमीर का नाम लिया। देखो जी हम तैयार तो हो जाएंगे लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे, हालांकि वो वहां के भले जिम्मेदार है, वो पैसे के अमीर है, कहा हम जाएंगे तैयार क्यों उनके साथ नहीं जाएंगे? भाई क्यों नहीं, अपने जिम्मेदारों तो आप पकड़े हुए हो, मैंने दिल में कही है बात उनसे नहीं कही कि हमने एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए नाम लिखवाया।
मैंने अपने घर में जैन बनाया तो वो तैयार हुए, बड़ी मुश्किल से। जिन्होंने अपनी कंपनी से छुट्टी ली, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। 3 दिन की बात थी, उसके बाद में जो है ना कहा हम तैयार हुए। जिस दिन हम निकलने थे, अब हम जो आए देखने के लिए, तो वो पता लगा साहब अभी साहब ने कहा नहीं ले जा सकता, मेरे घर मेहमान आ रहे। अरे साहब को पता भी नहीं कि ये कसम खाए हुए हैं कि इनके साथ नहीं जाएंगे, मालूम है क्या होगा। कहा जब अपने 3 दिन भी लगेंगे, अपने घर नहीं होंगे, अपने दूसरे घर नहीं होंगे, तो फिर ये होगा मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं वहां का आदमी हूँ, मैं निजाम देखता हूँ, मैं फर्क, ये कहीं का भी नहीं है यार, ये कहीं का भी नहीं है। और दूसरा नुकसान ये होगा याद रखना कि जमातें आएंगी दूसरे इलाकों से हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जमातें आएंगी और हम उनकी जमातों की रहबरी से भागेंगे। डर लगेगा, हमें शिकायत कर सकती हूँ कि रहबर से रहबर की हिम्मत नहीं होगी कि किसी दरवाजे की कुंडी तक कर, ये खौफ बैठ जाएगा। हदीस पाक में आता है जिसका हुक्म है कि फरमाया कि एक आदमी दावत भेजा नहीं, कयामत के अंदर बुलाया जाएगा, मैं पूरा फलाह को दावत की नहीं बहू बता रहा, फलाह को साथ इसलिए मुझे डर लग रहा था, तो अल्लाह ने कहते डर लगा तो मैं जाता अल्लाह का डर तो डरा मुझसे जाता तो मुझसे क्यों डर, कोई चीज अंदर है कि खौफ में जी रहे हैं, खौफ में चल रहे हैं, खौफ में सो रहे हैं, खौफ में जा रहे हैं। आने वाली जमातों का हक नहीं दिया जाएगा भाई दोस्तों, हाँ आने वाली जमातें अपने आमाद करेगी, तो कोई इधर से आया कोई उधर से आया, क्यों कहते एक एक कुंडी खटखटाओ जा करके, हाँ लेकिन उसके तस्दीक के साथ हिम्मत के साथ। इसलिए फरमाया जब हमारा मस्जिद के लिए वक्त तय होगा, इतना वक्त मुझे मस्जिद में देना है, वो क्यों कहा जाए, क्यों कहते जी तो मिलता ही लोग कहते हैं, अगर लोगों की बात नहीं है पहले हम तो मस्जिद को वक्त है। कुर्बानी होते कुर्बानी जिंदा होती है, याद रखना जब ये मस्जिद की जमात वाला अमला ये मस्जिद को तय करके वक्त देगा, इतना वक्त मेरी दुकान का, इतना वक्त मेरी मेरे घर का, इतना वक्त मेरी मस्जिद का, ये आमाले दावत के लिए वक्त है, ये आमाले इबादत के लिए वक्त है, 8 घंटे मस्जिद के, 8 घंटे कारोबार के और 8 घंटे घर के। अगर इतना नहीं है तो बिल्कुल आखिरी मुतालबा ये है, आखिरी तकाजा ये है कि कम से कम कम से कम 2.5 घंटे अपने मस्जिद को। अब ये दूसरे नंबर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका मतलब नहीं, पहले हम अपनी मस्जिद को वक्त दें। जब ये कुर्बानी के साथ अपनी मस्जिद को वक्त देंगे और जब ये गलियों में मारे मारे फिरेंगे, हाँ एक घर में गए दूसरे घर में गए तीसरे घर पर गए, उनकी खटखटाई, कोई आया निकल के 3 आवाजें लगाई, फिर कोई नहीं आया निकल करके, बहुत देर के बाद उधर से इधर उधर से उधर मस्जिद में तालीम हो रही है, मस्जिद में अमल हो रहा है, मस्जिद में सीखना सिखाना हो रहा है, हाँ एक आदमी तालीम कर रहा है, 4-5-6 मस्जिद वाली जमात के साथ ही थे, अब ये बाहर गए हैं, वो तो 3-3 की जोड़ी बना करके, तो अब जो जिसको लावे थोड़ी देर तालीम में बिठा दे, फिर उसके बाद काम करें। जब कोई दावत की मेहनत हमारी कतर पर नहीं है, दावे वाले तो अल्लाह है और ये कुर्बानी में दिन बदले जाते हैं, अल्लाह पाक गाय की तकलीफों को संभाल कर रखते हैं, गाय की तकलीफों को संभाल कर रखते हैं और फिर मजबूर की तरफ से जिनको दावत दी गई है उनकी तरफ से जो तकलीफें आई हैं उन तकलीफों को मधुमेह की गाय की तकलीफों को हिदायत का जरिया बना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम दावत जो कुर्बानियां दे रहे थे, फिर एक वक्त आया ऐसे लोगों ने कलमा पढ़ा जो लोग कहा करते थे कसम खुदा की पहाड़ से कूद कर मर जाएंगे लेकिन मोहम्मद का कलमा रुक रहे,
इनके कुर्बानियों को अल्लाह ने जरिया बनाया और कसम खाने वालों के कुलूब को उनके सीने को चीर करके उनके अंदर गहरा करना शहादत को दाखिल करना, ये आज भी हो रहा है कयामत तक। ये 50 गुना मदद का वादा ये सिर्फ दुनिया में नहीं है, याद रखना 50 गुना मदद का वादा, याद रखना मदद कहते ही इसे है कि काम करने वाले के साथ काम करने वाले पैदा हो, काम करने वाले के साथ काम करने वाला अमला तैयार हो जाए। ये मतलब तो इसी को मदद पे आ गया है, जिस मकसद के लिए ये उम्मत भेजी गई है इस मकसद पर आने वाले हमारा अमला बढ़ जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हुई है, लाखों सहाबा तैयार हो गए, मौजूदा हजरात जो हक को लेकर चल रहे हैं काम को लेकर चल रहे हैं कितनी मदद है उनके साथ। आज पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग जो अपनी पूरी जान 100% जान 100% माल को वो बड़ों के सामने रखे हुए हैं। आप हमें जैसे कहेंगे वैसे तैयार, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, जितने वक्त के लिए जाएंगे वहां जाएंगे, इसको मदद चाहते हैं। ये मदद नहीं है, ये मदद तो नहीं है कि साहब को नौकरी दे दी नौकरी लग गई और तो मदद होगी, ये मुकाबले वो करेंगे जो कुर्बानियों के साथ नहीं चलते। साहब फला की ये तश्कीलों का अंदाज नहीं, फला की नौकरी लग गई थी किला लगाया नौकरी लग गई, फला फला की साहब बच्चों की शादियाँ भी हो रही थी उनका चार महीने लगाए उनकी शादियाँ हो गई और साहब देखो उनकी उनका उनका कारोबार ठीक नहीं था ये सब लगे सेट हो गया। ये तो दुनियादार वो जो काफी मुशरिक है वो जो कहेंगे अरे हमको मुसलमान भी नहीं है और हमने तो चिल्ले चार महीने लगाए देखो हमको हुकूमतों के मालिक हो गए, हमारी बातों का जवाब है ये इसकी मदद नहीं कहेंगे। एक साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हुजूर के पैगाम को लेकर के गए, जिसको पैगाम देना था उसने वो खत पढ़ा भी नहीं और नेजा नेजा मार दिया वो शहीद हुए, लेकिन आखिरी लफ्ज क्या है रब ने काबा की कसम में तो कामयाब हो गया, लेकिन मदद हो गई मैं तो कामयाब हो गया। कहा उनकी बात में कुर्बानी इतनी असरदार बात थी कि उनकी जबान से निकली इनके दिल में पहुंच असर आ गया। तो कहा मारने वाले ने अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई को जब हमारा हफ्ता तय होगा तो आने वाली जमात को देख करके हम खुश हो जाएंगे, भाई हमारी हमारी जो है ना हमारे काम में अब इनके जरिए से मदद होगी। अपने 3 दिन की जमात का बदला आसान, 4 महीने की जमात का बदला आसान, 40 दिन की जमात का बदला आसान, और का हर फर्द उम्मत से मस्जिद के लिए वक्त मांगो, हर फर्द उम्मत से मस्जिद के लिए वक्त मांगो। कहा जब मस्जिद के लिए वक्त मांगा जाएगा तो कोई 2 घंटे कोई 1 घंटा कोई 2.5 घंटे जैसी तश्कीलें हमारी पक्षों के अंदर होती है पिछले 4 महीने 3 दिन की ऐसी तश्कीलें हमारे पक्षों की होती है। अगर ये नहीं है तो मेरे बहन मैंने अर्ज किया फिर एक खौफ होगा मकानों को छोड़ देंगे, अरे कोई कोई मारेगा थोड़ी कोई पीटेगा थोड़ी, अरे कोई किसी ने मार भी दिया तो कहा इस काम की सुन्नति है, इस काम की सुन्नत ही है। ये हमारे हमारे अमीर साहब बैठे हैं जमात की जो आई हुई है इन्होंने अपने कामगारी सुने, वो मस्जिद के पड़ोस में थे एक साहब से गए मुलाकात के लिए, वो जाया करते थे 4-5 महीने की आपने बन गए, वो पता नहीं उस दिन उसे क्या सुना, वो डंडा लाया निकाल करके और गालियां देता हुआ बाहर आया, जिनको इनकी बात बता रहा हूँ कोई और की नहीं बता रहा, वो आया ये कहने लगे अच्छा भाई ठीक है अगर मार के पीट के गाली देकर तुम्हारी सुकून मिलता तो तैयार हो कोई बात नहीं, लेकिन वो आके रुक गया उसके बाद वापस गया। जब वापस गया तो वो जोहर में इन्होंने बताया जोहर में जब आया नमाज पढ़ने के लिए तो वो अजान के होते ही ना मस्जिद में आया नए कपड़े पहने हुए धुले हुए कपड़े और मस्जिद में बैठा
इनको देख करके आके इनके सामने माफी मांग देगा, रोने देगा, मुझे माफ कर देगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आज मैंने सुबह सुबह ये नदियों वाले साहबा वाले जो वाकयात है ना, ये हमारे साथ ही पूरे होने आते हैं। नदियों वाले रास्ते में नदियों वाले स्टाफ ले आएंगे तो कहां से आएंगे ना, लेकिन जब अंदर खोखलापन है, सब अंदर जा भी नहीं है, जिन आवाज से जान पैदा होगी वो हमारी जिंदगी में नहीं होगी। हर महीने 3 दिन हफ्ता तय करके कोई लगाए न लगाए, अरे हम तो कहते हैं अगर पूरे 27 दिन मेहनत करते करते गलियों में फिरते फिरते कोई तैयार नहीं हुआ, 3 आदमी तैयार हुए, 3 आदमी अपने 3 दिन की जमात में चले गए, ये एक दो दफा होगा याद रखना, जब वो रोएगा अल्लाह के रास्ते में दुआ मांगेगा, 1-2 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी जमात बननी शुरू हो जाएगी। अब कितना मजमा है सोचो, एक मस्जिद के अंदर अगर 2-2 साथी भी पुराने हुए तो हर मस्जिद से 3 दिन की जमातें जा सकती, कई कई जमातें जा सकती। हमारे हो सकता है ये भी हूँ पुराने साथी लग रहे हैं, 6 दिसंबर के मौके पर हिंदुस्तान का मशवरा था, उसमें हजरत इमाम सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक पर्चा एक बुजुर्ग लेकर के आए थे और उसमें 10 हिदायत थी। उस 10 हिदायत में एक हिदायत ये थी, ध्यान से सुने इसको, हम के हर मस्जिद की मस्जिद वाली जमात का हर पुराना साथी, एक पुराना साथी अपने 3 दिन की जमात खुद बना के लेके जाए। ये बगदाद वाली मस्जिद से बताया और फिर उसको जो है ना खोल के बताया, अगर किसी मस्जिद की जमात में 10 साथी हैं तो 10 जमातें जब निकलनी चाहिए। एक मस्जिद से कितनी जमातें, अरे बोलो ना, 10 जमातें अरे जो चले गए उनको तो छोड़ो, जो है उनको हम क्या चीज दिखा रहे। मैं क्या कर रहा हूं मेरा भाई दोस्तों, वो आदमी जो हर हाल में अपने बीमार बच्चे को छोड़ करके अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, हाँ 3 दिन के लिए, उस 3 दिन में जब वो आया अपने मकाम पर डरता डरता रोते रोते देखा, फिर उसके बाद घर पर आया डर रहा था, फोन लेके नहीं जाते, आज भी उनके आदिवासी, अब तो पूरे पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बातें लगा, पूरे महाराष्ट्र शायद आपके हिमाचल बात जमातों की हिदायत दी जाती है, चाहे 3 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, चाहे 4 महीने की हो, 5 महीने की, जिस साथी के पास मोबाइल होता है उसको जवाब क्यों नहीं भेजते, या तो मोबाइल ले लेते हैं या वो साथी भी जाएगा, और जब जमात की वापसी होती है तो उसकी कारगुजारी पूछते हैं, कोई जमात के साथ फोन तो नहीं। हमने बगले वाली मस्जिद में सुना, जिसने अल्लाह के रास्ते में निकल को फोन कर दिया उसने अपने सफर का फोन कर दिया। 2 चीजें काबू कर ले हम, एक तो बच्चों को जमात में ना भेज, बच्चे 18-20 साल से कम का बच्चा जो है ना शहर हो जाने भी नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी इलाके में किसी गांव में इसका रिवाज पड़ रहा है कि साहब वो जो है ना 14-15 साल के बच्चों को 3-3 दिन, 14-13 साल तो बहुत ही छोटे हो गए, अगर उनको जमातों में लेकर जा रहे हैं भेज जा रहे हैं तो किसी को काम खत्म करने की जरूरत नहीं है, वहां खुद ही काम खत्म हो जाए, काम कम नहीं कमजोर नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ कौन दुकानदार ऐसा है जो अपने बच्चों को छोटे बच्चों को दुकान पर लेकर जा रहा है, कौन ऑफिस वाला ऐसा है जो अपने छोटे बच्चों को ऑफिस में लेकर जा रहा है, कौन आज ये बताइए। ये उम्र इनकी इनकी मदरसे में पढ़ने की है, ये उम्र जो है ना इनकी इनकी अपने स्कूलों में जो भी है वहां जाने की है, वो करने की है। पहला बच्चों का तो जो घर होता है वही मदरसा होता है, अपने घर की घर में पाबंदी से तालीम हो, पाबंदी से 5 अमान के
डर की तालीम होनी चाहिए पाक जमात के साथ। कुरान पाक के हल्के जब लगेंगे तो ये बच्चे जो हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं, ये बड़ों बड़ों को कुरान पाक बड़े बड़ों की नमाजें सही करेंगे। घर में इन किनको देखे बैठे अपने आपको भी, और फिर किताबी तालीम और सहसिफा और तस्वीर और कल का अगले दिन का बचवा, ये पांच अमान के तालुक से जब घर की तालीम होगी तो बच्चों का भी जहन बनेगा। अगर घर वालों ने काम को नहीं दिया तो बच्चे कैसे बने। तो ये तो दोनों चीजें हमने देखा, वहां दोनों चीजें हमने ना काम को तो काम करेगा कहीं बोल के। एक शहर जिसमें जिसमें सिर्फ 32 मस्जिद है, 32 मस्जिदों से 32 जमातें 4 महीने की निकली, 32 मस्जिद 32 सैकड़ों जमातें उनकी आज भी शर्मगुजारी होती है तो हजारों आदमी शर्मगुजारी में होता है, हजारों आदमी, लेकिन तलाश करने से कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 3 दिन आगे पीछे हो अपने तरतीब पर, जिसने अल्लाह के रास्ते में निकल के फोन कर दिया उसने तो अपने सफर का क्या कर दिया। थोड़े काम करने वाले हो ऐसे हो जाए जैसा मैंने चाहे, इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे वो सितार की जिंदगी में आएंगे। अभी तो हमारे हमारे ऊपर काम करने वालों पर हालात ही नहीं आएंगे, क्या बोला, ये जो हालात है ये तो हमारी बेदीनी की वजह से, इसमें मुझे भी काम मेरे काफी इसकी वजह से है। एक हालात आएंगे बेदीनी की वजह से, एक हालात आएंगे दीनदारी की वजह से, जो दीनदारी की वजह से कुर्बानी की वजह से जो हालात आएंगे वो तो बड़े बड़े इनाम अपने साथ लेकर के आएंगे। ये जो हालात है ये तो हमारे काम ना करने की वजह से, इसलिए भाई दोस्तों तो अमला ही नहीं है तकाजे कैसे पूरे होंगे, फिर क्या होगा, फिर वो जहां पर तकाजे है वहां के तकाजे है वहां के तकाजे तकाजे खड़े होंगे, इज्जत साथी हमारे काम करने वाले होंगे, यही जब एक महीने के इतने तकाजे पूरे कर देंगे फिर 3 दिन लगाने की फुर्सत है। अच्छा अगला तैयार होगा नहीं नया काम करने वाला, तो फिर ये मायूस होकर थक के इसमें से अक्सर को बैठ जाएंगे। हमने से कब तक आगे पूरे होते भेजो भेजो साथियों को काम करने, अगला तैयार होगा अब इनको भेजो। अगला कह तैयार होगा जब हर महीने 3 दिन की जमात ये 10-12 साथियों को लेके जाएगा और जो 3 दिन इन पर मेहनत करेंगे, उन्हें गश करना सिखाएंगे, उन्हें तालीम करना सिखाएंगे, उन्हें जमात चलाना सिखाएंगे और इनसे उन्हें तस्कीन करना सिखाएंगे, तो 3 दिन में ये काम करने वाले बने। 3 दिन में वापसी से पहले इनका मस्जिद के लिए वक्त तय करें, एक 3 दिन की जमात से आपके 4-6-7 साथी आराम से मिल जाएंगे आपको, अगले महीने कुछ साथी मिले उससे अगले कुछ साथी मिले, हर जमात से आप अपनी सालाना तरतीब की तस्कीन करेंगे। भाई फला महीने में शाहबाज के महीने में जा रहा हूँ, जिहज्जा के महीने में जा रहा हूँ 4 महीने के, फला महीने में जा रहा हूँ, कौन कौन तैयार है, तो 3 दिन की जमात के जरिए से बड़े वक्त की जमात बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे बोलो भाई क्या आपके यहाँ जमात आई हुई है, बाहर की किसी जमात ने इसको मेहनत नहीं की, अपनी मस्जिद की पूरी जमात चाहते हैं, किसी एक साथी के पास मोबाइल नहीं, ध्यान रखना, और आपके यहाँ जितनी भी जमातें आएंगी पिछले साल ही वक्त लगा गए जमात, जितनी जमातें आएंगी इंशाल्लाह सब बगैर मोबाइल के बगैर उसके आएंगे कोई नहीं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी शुरू शुरू में थोड़ा सा काबू करना पड़ा, बात को लेना पड़ा। अब पूछ रहे थे भाई क्या क्या बात करती है, क्या कहना है, इस्तेमा का तकाजा है, उसका तकाजा है, मेरा भाई ये जो इस्तेमाल होते हैं इस्तेमा भीड़ इकट्ठी का तकाजा नहीं है, किस इस्तेमा में कितने लोग जमा हुए, मगर ये देखना कि इसमें 4 महीने हर साल लगाने वाले अपनी सालाना तरतीब पर जाने वाले कितने, अपनी माहाना तरतीब पर कायम होने वाले कितने थे, अगर ये है तो फिर इस्तेमा में बयाना शुरू करके ये तकाजे को पूरे होंगे, ये इस्तेमा के तकाजे को पूरा करेंगे, वरना तो पता रहेगा इस्तेमा तो होगा नाफल होगा
और जवान से निकलेगी एक। अरे ऐसा ही तो हो रहा है, अरे हो रहा नहीं हो रहा जमा इस तरह में लाखों जमा हुए मगर तस्वीर नजारत इस जगह पर। वो जिस दिन हमारा हफ्ते का कष्ट होगा तो छोटे छोटे उजरे की वजह से अल्लाह के दीन के मेहनत के मुकाबले पर जितने उजरे हैं वो सब छोटे, कोई उजर नहीं आता, कोई उजर नहीं है। बीवी बीमार हो गई, कोई उजर नहीं है। बीमारी किसने बहनी है, किसके काम में लगे हुए हैं, अल्लाह का। एक साहब आए अगर बोला हम कर रहे थे वो देखे अगर वो इसमें दम कर दो पानी में और मेरी बीवी ज्यादा ज्यादा बीमार है, दर्द तड़प रही है। अगर ने कहा अरे भाई अभी गश्ती गश्ती जवाब कर दी है, बाद में दम करेंगे, गश्त में जरा ठीक ठाक दम होगा तो वैसे ही सुधरा, तुम भी चलो गश्त में चलो। अब उन्हें गश्त में लेके गश्त में लेके गए हजरत तक ये वहां गए और वहां जाकर मेहनत की
और ये नकद जमा 3 दिन की लेकर के आना सिल्लेगी तो 3 दिन की सिल्ले की जमा 3 दिन में लेकर के आए। दो साथी हम कहेंगे आप सब दो साथी जाओ तीन जाओ आप कहोगे मैं दो आप काम कर दीजिए आगे दिल्ली का है आप काम करवा रहा है आप हम रात में नियत करो इन 5 आमार को हर हाथ में देने की इच्छा है। मेहनत मेहनत से यकीन जब असफल जा करना जब पहले दो हाथ में उठा इस साथ बात है मेहनत मेहनत से यकीन यकीन से आमाल आमाल से अल्लाह राजी होगा और अल्लाह राजी होगा तो काम बन गया जो शुरू में काम में पढ़ लेना शुरू हो गया आगे हो गया फुर्सत नहीं है पता नहीं है ये तो काम ना करने की वजह से आप परेशान है। पता अगर पूछा जाए ना अरे हम परेशान हैं इसलिए परेशान है कि काम नहीं करते या काम करते हैं इसलिए परेशान है। अरे भाई बोलो काम करते हैं इसलिए परेशान है या काम नहीं करते इसलिए परेशान है। तो हमारा तजुर्बा ये है कि भाई हम तो काम भी कर रहे हैं इसलिए परेशान हालांकि काम नहीं कर रहे काम नहीं कर रहे और ये आसान हम तो बना करते थे मुझे काम करने वालों को दो खतरे एक तो है कि काम नहीं करेंगे और दूसरा जो समझेंगे कि हम काम कर रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े बेटे से कोई साथी ये नहीं बता खड़े हुए कि हर हाल में हर महीना 3 दिन की जमा चाहे चाहे कोई भी हाल हो मैं लेकर निकल जाता हूँ बताइए काम का क्या हाल है हम तो कहेंगे भी नहीं इतना आदर लेकर चलते याद करता मेहनत को तसलसल के साथ कायम कर दिया तो फिर याद रखना यकीन बनेगा अल्लाह के जितने हमारे अंदर फरमाते हैं अल्लाह के जितने वादे हैं वो आमाल के साथ हैं क्या के साथ है। अब देखो 4 महीने में ईमान नहीं बनेगा 4-4 महीने हर साल लगाना 6 महीने हर साल लगाना ईमान इससे नहीं बनेगा यकीन इससे नहीं बनेगा। ये तो अल्लाह के रास्ते में निकल के अंदर अपने मकाम पर जमने की इस्तेदाद पैदा होती है पावर पैदा होती है ईमान जो बनेगा यकीन जो बनेगा वो अपने मकान पर आने के बाद कब बनेगा जब टकराओ कि ये आदमी 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला अपने बच्चे को इस हाल में छोड़ते हुए जब अपने घर वापस हुआ तो घर के अंदर जब कदम रखा तो वो बच्चे खेलते हुए नजर वो बच्चे खेलते हुए कहां से कहां यकीन बनेगा मर भी सकती थी कुछ जरूरी नहीं था जब जो जवाब में जाएंगे अल्लाह के अल्लाह के भी सल्लल्लाहु जो है वो बदल में है पीछे बेटी का इंतकाल हो गया अगर जो बजा रही था ये कोई चीज नहीं है लेकिन कहा इन्होंने जब देखा भाई ये तो बीमार है ये तो हो ही नहीं रात को लेकिन निकल गए ये किसी की परवाह नहीं करी इन्होंने किसी की नहीं सब सब पागल तो कह रहे थे पागल तो कह रहे थे क्या पागल कर रहे क्या मामला कर लेकिन निकल गए और हाथ में तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का हम तो कमजोर है दुआएं भी कबूल होगी नकद मिलेगा नकद आज दुनिया में तुम चाहते हो वो भी तुम्हें मिलेगी। 4 वादे अल्लाह के हैं अगर जिस तरह बताया गया याद रखना जिस तरह बताया गया उस तरह काम को लेकर चले कितने वादे हैं 4 वादे अल्लाह के हैं याद रखना इसको करते थे जो आमाल दावत और आमाल इबादत पर तसल्लुक के साथ कायम रहेंगे है? तो फरमाया गैब से परेशानी अल्लाह दूर करेंगे गैब से अल्लाह इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे मखलूक के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल देंगे और अल्लाह पाक दुआओं से काम रहेंगे दुआओं से काम रहेंगे गैब से परेशानियां दूर होंगी गैब से अल्लाह जरूरतों को पूरा करेंगे और मखलूक के दिलों में मोहब्बत डालेंगे और दुआओं से ये दुआ से काम बनता अगर समझ में जाए कि नहीं आ रहा है वो मेरे भाई तो सुनो कभी यकीन नहीं आता है अल्लाह के जितने वादे हैं वो अल्लाह के साथ नहीं है आमाल के साथ
जिनके साथ वादे हैं, जिनके साथ वादे हैं उसको छोड़ दिया उन असबाब की वजह से जिनके साथ कोई वादा अदा कर दिया, ये टकराव आएगा, ये हालात आएंगे यार। और मैं एक बात और मंजर आता आपके मंदिर से कहते कि अगर हमारी कोई मेहनत तसल्सुल कायम नहीं हुआ, ये पांच आबाद और सालाना वक्त की तरतीब अगर ये नहीं बनी हमारी, तो याद रखना जब काम नहीं होता तो आपस में दिल खटे रहते, क्या होता है आपस में दिल खटे रहते हैं, आपस में दिल मिलेंगे वो तभी जुड़ते हैं जब हर आदमी कभी तरतीब है, हर महीना तीन दिन जा रहे हो, अपने हफ्ते में गश्त कर रहे हो, दूसरे गश्त कर रहे हो और अपनी मस्जिद को रोजाना कदम दे रहे हो और फिर उसके बाद में जो है ना अपनी सालाना तरतीब साल में चार महीने अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो, हर साल चार महीने, अब तो चिल्ले की नहीं, अब तो चार महीने की तस्वीर भी जानो जिंदगी मरकज में चार महीने की तस्वीर भी अब नहीं होती, अब चिल्ले की तस्वीर भी बस बहुत दिन पहले बन रही, जो बात मरकज बदलने वाली मस्जिद से चल रही है वो हमारे मरकज में भी होनी चाहिए, हर साल चार महीने की तस्वीर तो कम से कम होनी चाहिए। अरे लगाएंगे इंशाल्लाह भाई, इस काम को काम बनाने की नियत करें, तीन मरतबा तीन चिल्ले लगाए ताकि उसके बाद पूरे आलम की नियत तो आज ही कर ले, पूरे आलम में जाना है, पूरे आलम में जाएंगे, कौन कौन जाएंगे पूरे आलम में, बहुत प्यारा होता है। एक तो ये होता है कि हर हाल में हफ्ता तय करके तीन दिन और वक्त तय करके ढाई घंटे कम से कम, वक्त तय करके ढाई घंटे और अपने हफ्ते में दो गज दो तालीम दो तालीम और तीन पांचवी चीज क्या है, फिर दो दादा का बच्चा का, ये पांच आमान हर हाल में कर दो, कौन से हर हाल में हर हाल में करना, इंशाल्लाह हाथ बता रहे हैं कुछ हाथ ऊपर कुछ नीचे कर देते हैं, क्या पता चलेगा हमें, देखो भाई ऐसे ये तो खड़े हो सकता हूँ, खड़ा होना कौन कौन हर हाल में बताएंगे, बैठे तो क्यों बैठे, अच्छा हालांकि मैं शर्माता आप हजार की बात कर रहा हूँ, मतलब तो हर साल जो है वो हर महीने दस दिन की बात चल रही है, आप रोजाना आठ घंटे की बात चल रही है, लेकिन हम आपके हालात से डर गए, इसलिए भाई चलो कहीं ऐसा ना हो लोग नाराज हो जाए तो हमने दस दिन की बात नहीं करी, इसलिए सिर्फ तीन दिन की बात की, तो अब चार महीने देखो चिल्ला चिल्ला अगर सौ लगा लो दो सौ लगा लो तीन सौ लगा लो एक हजार चिल्ले भी लगा देंगे ना, याद रखना सवाब तो मिल जाएगा लेकिन जो बात चाहे जा रही वो नहीं होगा, देखो 120 फीट जहां वाटर लेवल है वहां 120 फीट पर ही पानी जो है ना बोरिंग करना पड़ेगा, आपने 40-40 फीट से अगर तीन जगह बोरिंग कर दिए तो 120 फीट तो हो जाएगा ना भाई, पानी आ जाएगा, और 40-40 फीट से अगर 100 जगह 1000 जगह कर दो तो जैसे नहीं आएगा पानी नहीं आएगा, ऐसे चिल्ला चिल्ला लगा करके काम समझ में नहीं आएगा, इसलिए चार महीने इस काम का पहला मतलब है पहला कोर्स, तो चार चार महीने, हाँ पहला जो बताओ हर साल चार महीने के लिए कौन कौन तैयार है, हर साल चार महीने मांगा।